हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशा और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का ये पार्ट 3-4 है। तीन पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने मिस किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब क्या हो रहा था, पहले हमने देखा वुमेन एजुकेशन के बारे में, जहां पर हमने देखा कि विद्यासागर सामने आते हैं और भी बहुत सारे पुरुष सामने आते हैं जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि वुमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग जो है वो छूट जा रहा है, शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा था, उनकी कोशिशों की वजह से थोड़ी बहुत जो महिलाएं थी वो पढ़ने लगी थी। जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे, साइड में आपका पिंक कलर का एक बाउंड्री देकर कुछ लिखा रहेगा, तो ताराबाई शिंदे की एक लिखावट वहां पर दी गई है, ठीक है। तो उसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ताराबाई शिंदे जो है वो लिखती हैं अपने स्त्री पुरुष तुलना में, वो बताती हैं कि वहां हेडिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा कि जब किसी का पति मर जाता है तो क्या होता है कि वो कहती हैं कि क्या हम जो स्त्रियां हैं उन्हें व्यथा नहीं होती, उनको अपने जीवन से प्रेम नहीं होता, क्या पुरुषों को ही जीवन से प्रेम होता है। मानो हम जो स्त्रियां हैं वो लोहे, जंग लगे धूल चढ़े हुए लोहे से बनी हुई हैं और जो पुरुष है वो सोने से बने हुए हैं। क्योंकि अभी भी देखिए, ये तो समाज की सच्चाई है, आज भी लड़कों को सोना ही माना जाता है और लड़कियों को उतनी वैल्यू, उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। तो वहाँ पर उन्होंने व्यंग करते हुए ये चीज़ कहा था कि जैसे ही उसका पति मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, तो उसके बालों को, केशों को पूरा छील दिया जाता है और उसे किसी भी किसी समारोह में, किसी मनोरंजन में या किसी शुभ कार्य में जाने से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसका जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया जाता है। तो इसी चीज़ पर उन्होंने ये व्यंग करते हुए ये लिखा था। तो आई होप आपको वो अच्छा लगेगा और वो बहुत फील करने वाला चीज़ है। तो पढ़ाई को बिल्कुल पढ़ाई की तरह ना लेके फील करके पढ़े तो हमें समाज की वास्तविकता और उसके थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है, तो हम मानसिकता को समझ पाएंगे। तो ताराबाई शिंदे ने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसी ही प्रभावशाली बहुत सारी महिलाएँ आती हैं, जैसे हम नाम देखते बेगम रुकैया, इसके बाद पंडित रमाबाई के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो अब क्या हो रहा था, महिलाओं की कहानी जो थी अब महिलाओं की जुबान से हम सुनेंगे। तो शिक्षा में बढ़ावा मिल रहा था। भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने प्राइमरी स्कूल, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका, उसके लिए स्कूल खोला था, क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज में छोटे से शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और छोटे स्कूलों की स्थापना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसके बाद देखते तो प्रभावशाली महिला में बेगम रुकैया शेखावत जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से, जो मुस्लिम धर्म से वो सामने आती हैं और मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वो सामने आती हैं। अगर इनकी कहानी बताई जाए तो ये बहुत छोटी थी या फिर अपने घर में इनको शिक्षा से शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं था जैसे कि लड़कियों को, तो ये छिप छिप कर अपने भाई से पढ़ती थी। और जब इन्होंने पढ़ा, शिक्षा ग्रहण की, उर्दू भाषा को समझा, तो उन्हें लगा कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, शिक्षा से ही कोई भी समाज सुधरेगा और महिलाएं सशक्त बनेगी। तो इन्होंने महिलाओं के लिए फाइट किया, क्योंकि पुरुषों को तो अपनी शिक्षा के अधिकार मिले ही हुए थे, तो इस वजह से जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, जो रुकैया जी ने बहुत ही अच्छे से लड़ा। उन्होंने कोलकाता पटना में स्कूल खोला, रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध किया, कट्टर विचारधाराओं का उन्होंने विरोध किया और उनका कहना था धार्मिक नेताओं ने उन्हें नीचा दर्जा दिया है, मतलब उन्हें कोई महत्व ही नहीं दिया है, महिलाएं इस समाज का हिस्सा ही नहीं है, उनको ना कोई अधिकार, ना कोई समानता और ना ही शिक्षा का अधिकार मिला है। तो उसके बाद क्या होता है कि इनकी थोड़े जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म होता है रंगपुर में 1880 में। यह एक बुक लिखती हैं, स्त्री जातिर अवनोति, ये बंगाली बुक रहेगा क्योंकि बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो इसी वजह से इन्होंने इस पर लेख लिखा, स्त्री जाति की अवनति, जैसे हम लोग का अवनति वर्ड है ये बंगाली टर्म में आ जाता है, अवनति एक्सेंट आ जाता है उसका, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, इनकी जो लेखन था उसके लिए विरोधी विचारधारा बहुत ज़्यादा आ गई,
मतलब कोहराम मच गया कि ऐसा कैसे किसी लड़की ने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद संगठन, महिलाओं को मिलाकर संगठन किया, ये शिक्षा देती थी, उन लोगों को पढ़ाती थी, अपने दायरे में इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की महिलाओं के लिए और लड़ी। आज अगर मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां पढ़ रही हैं तो शायद इन्हीं की बदौलत है, इनके ही कॉन्ट्रीब्यूशन के वजह से लोग पढ़ पा रहे हैं, महिलाएँ पढ़ पा रही हैं। ठीक है, इन्होंने मुहिम चलाई स्त्री शिक्षा के लिए 1910 में भागलपुर में, और 1911 में इन्होंने कोलकाता में स्कूल की स्थापना की, जो आज भी कोलकाता में चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, जो आज भी कोलकाता में स्थित है और चलाया जाता है स्कूल। इसके बाद हम देखेंगे तो महिलाएं लिखने लगी, आलोचनाएं करने लगी, बात करने लगी, और महिलाएं अब 1880 में क्या हुआ कि वो लोग विश्वविद्यालय तक एंट्री करने लगे थे। कुछ महिलाएं चिकित्सक बन रही थी तो कुछ महिलाएं शिक्षिका बन रही थी, मतलब पढ़ाई का स्तर से जो लोग ऊपर गए, जो महिलाएं ऊपर गई, अब वो महिलाएं जो थी वो सामने आ रही थी, लड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने इतना फाइट किया। तो कोई भी इंसान जब फाइट करके आगे बढ़ता है तो वो अपने जो पीछे है उनके लिए द्वार खोल देता है, उनकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे आज हमें शिक्षा इतना आसान लगता है ग्रहण करना, लेकिन अगर ये लोगों ने लड़ाई नहीं की होती तो शायद मैं इतनी आज़ादी से आपके सामने बोल भी नहीं पाती। तो इसी प्रकार का नज़रिया रख के आपको पढ़ना पड़ेगा और उस समाज की कुरीति को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने आलोचनाएं करने लगी, अपनी बातें इन्होंने लिखने लगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाई हुआ है कि महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखने लगी। तो यहाँ पर जब वो शिक्षिका बन जाती है, जब वो पढ़ी लिखी हो जाती है, विश्वविद्यालय तक जाने लगती है, तो वो अपने विचारों को, अपने गमों को, अपने जर्नी को वो लिख कर प्रस्तुत करती है और सबको मोटिवेट करती है। ठीक है, तो सबको प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही हम और एक प्रभावशाली महिला के बारे में देखेंगे, पंडित रमाबाई। तो पंडित रमाबाई जो थी, आपको समझ में आ रहा है कि ये पंडित लगा हुआ है तो मतलब ये ऊंची जाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने दुख को सामने रखा। जैसे इनका मानना था कि हिंदू धर्म की महिलाओं को के ऊपर दमन हो रहा है, ठीक है, दमन किया जा रहा है, और ऊंची जाति की महिलाओं का जो दशा है उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी, और उन्होंने बताया कि ऊंची जाति वाली जो महिला थी उसकी दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम बहुत बार बात करते हैं नीची जाति के बारे में, लेकिन उस समय जब पंडितों की बात हो रही है, ऊंची जाति की बात हो रही है, उनकी महिलाएं तो सबसे ज़्यादा उनके लिए सम्मान की बात हो जाती है। उन्हें घर से निकालने के लिए अलाउ करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें भी उतना ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। इसके बाद इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए थे, इन्होंने विधवा गृह बनाया, मतलब विधवाओं के लिए आश्रम बनाया, जहाँ पर उनके हाथ के काम से सिखाए जाते थे, उन्हें सशक्त बनाने की पूरी कोशिश की जाती थी, जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके। महिलाओं का संगठन बनाया गया, महिलाओं के साथ सब महिला जो थी वो संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, एक साथ आती हैं, जिससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जो महिला पावर रहता है। 20वीं सदी में क्या होता है कि महिलाओं को अब अधिकार चाहिए होता है, पढ़ तो ली, दिमाग भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, अब क्या है जो हमारा अधिकार होना चाहिए, जैसे पुरुषों के पास है वैसे हमारे पास होना चाहिए। तो पहली डिमांड थी मत अधिकार, वोट देने का अधिकार जो है वो ज़रूर से मिलना चाहिए था, और स्वास्थ्य की सुविधा, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपने शरीर को लेकर जब वो माँ बनती है या फिर बहुत सारी चीज़ों में उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, जैसे आज हमारे वेलफेयर वगैरह में मिलता है वैसे हमें मिलना चाहिए। तो ये चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड किया और कानून की मांग की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके अलावा शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता की भी इन्होंने बात रखी और यह कानून भी पारित करने के लिए कहा। 1920 के बाद जब ये लोग आवाज़ उठा रहे थे, तो सिर्फ ये लोग नहीं, बहुत ऐसे पुरुष जो थे बुद्धिजीवी थे वो लोग भी इनका समर्थन कर रहे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इनका समर्थन किया, बोला अभी तो हम वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग हमारा साथ दीजिए आज़ादी के लिए, आज़ाद जब हम होंगे तो आपको भी उतना ही अधिकार मिलेगा। जब कानून बनता है B.R. अम्बेडकर के ये में, तो क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर पूरे अधिकार के ऊपर बहुत ही अच्छे से लिखा रहता है और इनके अधिकारों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, जैसा इन्होंने अपने प्रॉमिस किया था उन्होंने निभाया। 1920 के बाद जो राष्ट्रवादी या समाजवादी आंदोलन होता है उसमें महिलाओं ने भी अपना बहुत बड़ा बड़ा
रोल निभाया, उन्होंने अपनी चीज़ों को सामने लेकर आई, क्योंकि ये महिलाएं जो थी ना वो बहुत दुख में थी। जबकि हम एंशियंट में देखेंगे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, वो कितनी सशक्त थी, या फिर एंशियंट में बहुत सारे लड़कियां जो थी वो एग्जांपल थी। लेकिन जब ऐसा टाइम आया मेडिवल से लेकर ये सारा चीज़, तो उस समय क्या हो गया कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था, ठीक है। तो इस वजह से इनके सारे हक जो थे वो छीन लिए गए थे प्रोटेक्शन के नाम पे, कि हम आपकी हिफाजत करेंगे क्योंकि आप हमारा सम्मान हो, ये बोलकर। तो उन्होंने इसका फाइट बैक किया और वोट का अधिकार, इन्हें स्वतंत्रता जैसे ही मिली उन्हें वोट का अधिकार भी मिल गया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक्सप्लेन की एक एक करके। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर से करें कि कैसा लगा वीडियो। यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में बात हुई है, वैसे ही मैं आगे सारे कंटिन्यू करूँगी पॉइंट्स और सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। धन्यवाद।